हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक क्या कर रखा है, हमने पहला तीन लेक्चर पढ़ रखा है जिसमें पहले में हमने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है। दूसरे में हमने नॉन रिन्यूएबल और फॉसिल फ्यूल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया। तीसरे में हमने पावर प्लांट तीन टाइप के, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड विंड एनर्जी, तीनों का इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है। तो ये तीन आप कर लेना इस लेक्चर पे आने से पहले, ठीक। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के फोर्थ लेक्चर तक चल रहे हैं, लेक्चर फोर, ठीक, जो कि है सोलर एनर्जी पे। किस पे है? सोलर एनर्जी, ठीक है। आपको ये देखते हुए सब कुछ लग रहा होगा, ठीक है, आप इसे देख रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर बहुत सारे लोगों ने अपने घर आस पड़ोस में आजकल बहुत कॉमन हो गया है, देखा होगा कि लोग अपने घर पे ये पैनल लगवाते हैं, ठीक है। और पैनल लगवा के बहुत सारे लोग अचंभित होते होंगे 5 साल 10 साल पहले कि आखिर ये क्या है। बट आज ये कोई पहचान का मोहताज नहीं है, ये जो पैनल हमें दिख रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे घर पे ये पैनल दिख जाता है, ठीक है। इवन गवर्नमेंट के जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वहाँ पे भी कई इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली इस पैनल पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। और अब कोई भी बच्चा जान जाता है कि ये जो है ये सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है। ये पैनल आपने बहुत बहुत सारा देखा होगा, और इवन आप ये देख सकते हैं कि सोलर फार्म ये है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई प्राइवेट इंडिपेंडेंट बॉडी है जो बहुत मास अमाउंट में सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके बिजली बनाएगी और उसको आइदर इंडस्ट्री यूटिलाइजेशन और गवर्नमेंट को सेल करेगी। ये बेसिक कंजम्पशन के लिए है, जो कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम कह सकते हैं कि सोलर पावर प्लांट छोटा सा यूज़ है, सिर्फ होम की, सिर्फ घर की बिजली को खपत करने के लिए है, ठीक है। सिमिलरली आप सोलर का एक और ये पैनल देख सकते हैं, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा कुकर है, कुकर में ये पेन ले ले, दो पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये कुकर में हमने क्या किया है, ठीक है। ये पीछे आप देख रहे होंगे एक मिरर टाइप का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कुकर है कुकर में, ठीक है। तो कुकर को मैंने कहीं रख दिया और मिरर टाइप के स्ट्रक्चर से जो भी सनलाइट आ रही है उसको मैं इस मिरर के द्वारा यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, फॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि सारी सन एनर्जी जो है वो इस पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाएगी और जिससे हमारा कुकर में जो भी सामान है वो उबल जाएगा या खाना हमारा पक जाएगा, ठीक है। तो सोलर एनर्जी के डिफरेंट यूटिलाइजेशन आपने देखे कि कहाँ कहाँ हम लोग बेसिकली देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी का यूज़ करते हुए यूज़ केसेस हम देख सकते हैं, ठीक है। हम अब आगे आते हैं और बात करते हैं सोलर एनर्जी क्या होता है। सोलर एनर्जी इज अ रेडिएंट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन दैट इज हार्नेस्ड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज सोलर पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सोलर थर्मल एनर्जी इंक्लूडिंग सोलर वाटर हीटिंग एंड सोलर आर्किटेक्ट, ठीक है। तो सोलर एनर्जी एज द नेम सजेस्ट कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सन के जो एनर्जी है, सन के रेज में जो हीट एनर्जी आती है उसको यूटिलाइज करते हैं अपने डिफरेंट, और उसके यूटिलाइजेशन से डिफरेंट टाइप के एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स जो हम आम इंसान को है उस पूरे रिक्वायरमेंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके यूटिलाइजेशन से उस पूरे रिक्वायरमेंट्स को हम लोग फुलफिल करते हैं, रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट का काम करते हैं, ठीक है। सेम जो इंस्ट्रूमेंट मैंने अभी पिछले बताया था वो यहाँ पे है, ठीक है। क्या है कि ये आपका एक मिरर है, ठीक है, कौन के मिरर आप कह सकते हैं, जहाँ पे इनफाइनाइट से सोलर रेज जो पैरेलल रेज आती है वो कहाँ पे जाती है, वो फोकस पे जाती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे वाइड एरिया से हमने इस पूरे एरिया से जो आप देख सकते हैं ये पूरे एरिया से हमने सोलर एनर्जी को लिया और यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिया, तो जिससे क्या होगा कि अमाउंट ऑफ हीट एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाएगा जिससे खाना हमारा जल्दी बन जाएगा या जल्दी पक जाएगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है। सोलर एनर्जी तो हमने थोड़ा सा जानकारी सोलर एनर्जी के लिए, अब सोलर कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सूर्य है, क्या है, सन, और ये है आपका अर्थ। अर्थ का ये आउटर एटमॉस्फेयर है जो कि 8000 किलोमीटर दिया हुआ है और अर्थ का आपका डायमीटर ये दे रखा है, ठीक है।
अब सन से तो बहुत बहुत सारा एनर्जी निकलता होगा हर एक डायरेक्शन में, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी इधर से इतनी दूर में अर्थ की तरफ आती है, ठीक है। अब हम अपना जो कंसंट्रेशन है ना वो यहाँ पे डाइवर्ट करते हैं आउटर एटमॉस्फेयर के इस लेयर पे, ठीक है। आउटर एटमॉस्फेयर के इस लेयर पे जितनी एनर्जी आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक। और वो आती कितना है, वो आती है लगभग 1.36 वॉट पर मीटर स्क्वायर। एक मिनट मैं बुक से थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है। 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे वॉट नहीं होगा किलोवाट होगा, एग्जैक्टली 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है इसको, ठीक है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। कहाँ पे, आउटर एटमॉस्फेयर में इतनी एनर्जी यहाँ पे, यानी कि इस एटमॉस्फेयर के यहाँ के इस यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर कितनी आ रही है, 1.4 किलोवाट, ठीक है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दैट इज एंड इतना आ रही है पर मीटर स्क्वायर आ रही है और पर सेकंड में आ रही है, ठीक है। जैसे कि 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हमारा ये आएगा, दैट मीन्स कि पर सेकंड इस पूरे एरिया में कितनी हीट एनर्जी आ रही है पर सेकंड एंड पर मीटर स्क्वायर कितनी आ रही है, 1.4 किलो जूल आपकी हीट एनर्जी आ रही है, ठीक है। ठीक, तो ये आउटर एटमॉस्फेयर पर मीटर स्क्वायर कितनी हीट एनर्जी रिसीव कर रहा है, आप कह सकते हैं 1.4 किलो जूल पर सेकंड। ये हमारा होता है सोलर कांस्टेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये आपके स्क्रीन पे दो टाइप के डिवाइसेस दिख रहे होंगे, पहला है आपका सोलर कुकर और दूसरा है आपका सोलर हीटर, ठीक। ये आपका सोलर कुकर है और ये आपका है सोलर हीटर। हम लोग देख लेते हैं अब इस फिगर में, थोड़ा फिगर हम देखते हैं कि आखिर इसकी वर्किंग क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है, क्या वर्किंग होती है, कैसे होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये आपका ये एक केस टाइप का है, ठीक है, जहाँ पे ये आपका वुडन बॉडी है, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका ग्लास फ्रेम दिख रहा होगा, ठीक है, और ये आपका एक मिरर दिख रहा है, ठीक है। मिरर है, ये मिरर है, ये आपका ग्लास फ्रेम है, ठीक है, ग्लास प्लेट आप कह सकते हैं, ठीक। और ये मिरर किसकी तरह काम आता है, मिरर रिफ्लेक्टर की तरह काम आता है। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे था, तो मिरर एग्जैक्टली क्या किया कि जितने भी यहाँ से यहाँ तक जो भी सनरेज आ रहा होगा उसको वो इस बॉक्स के अंदर डाल देगा, ठीक है। और जो डायरेक्ट सनरेज आ रहा है वो तो आ ही रहा है भाई, जो डायरेक्ट आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन मिरर क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा सनरेज है वो भी इस बॉक्स के अंदर डाल दिया। तो बॉक्स के अंदर क्या होगा, बॉक्स के अंदर इनफ इनफ सनरेज, बहुत ज़्यादा सनरेज बॉक्स के अंदर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ग्लास की एक पेक्यूलियर जैसे प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें ये होता है, ठीक है। एक मिनट लेटर, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, एक सॉरी चूज इरेजर, हाँ ठीक। तो आपको क्या पता लगा कि, एक मिनट, ओके क्या हो गया भाई, हाँ पेन ले लिए, चलो ओके, हाँ। क्या आपको पता लगा कि इसके अंदर रिफ्लेक्टर और ग्लास प्लेट, इसके अंदर आपके क्या किए, सारा हीट एनर्जी या सन की लाइट को इसके अंदर भेज दिए। जब सन की लाइट इसके अंदर जाएगी तो क्या होगा कि ड्यू टू द हीट, ठीक, अंदर का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। अंदर हम किस किस कलर से पेंट करते हैं, ब्लैक कलर से हम अंदर पेंट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि क्योंकि ब्लैक इज़ अ गुड एब्जॉर्बिंग, हीट एनर्जी को अच्छा एब्जॉर्ब करता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर क्या करेगा, हीट एनर्जी को अच्छा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और ग्लास की हम प्रॉपर्टी है, इसको ग्लास से क्यों ढकते हैं, ग्लास की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सन की हीट एनर्जी को अंदर आने देता है, ठीक है। हीट एनर्जी को तो अंदर आने देगा, लेकिन हीट एनर्जी तो अंदर आ करके
आ जाएगी, लेकिन जो अंदर की हीट है उसको बाहर जाने नहीं देगा। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि हीट एनर्जी क्या होती है एग्जैक्टली, वो ट्रैप हो जाती है। अंदर तो हीट आ गई लेकिन हीट बाहर नहीं जाएगी, तो एग्जैक्टली आप ऐसा समझ लो कि हीट एनर्जी क्या हो गई है, ट्रैप हो गई है। ठीक है, इसके पूरे बॉक्स के अंदर क्या हो गई, हीट एनर्जी आपकी ट्रैप हो चुकी है। बॉक्स के अंदर क्या हो गई, हीट एनर्जी ट्रैप हो चुकी है। अगर हीट एनर्जी, और सिंस ये ब्लैक पेंटेड है ना, ब्लैक पेंट अंदर से ब्लैक पेंट था, इसका कुकर भी जो होता है ना वो भी ब्लैक पेंटेड कुकर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम चार कुकर ऐसे ऐसे रख सकते हैं, पॉट कह सकते हो कुकर को, आप एक एज ए पॉट कह सकते हो। इसमें आप चावल ऐसे डाल कर, मतलब चावल दाल ऐसे करके डालकर को आप इसको रख सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब हीट एनर्जी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ गई, तो ड्यू टू द बॉइलिंग, और वाटर बॉयल करेगा उससे हमारा क्या हो जाता है कि थोड़े वक्त बाद हमारा कुकर जो है वो कुकर या जो भी आपने दाल रखा था वो क्या होगा कि वो पक के हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको सोलर कुकर का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा और वर्किंग भी समझ में आ गई होगी कि कैसे वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, एक वुडन बॉक्स है ऐसे लगा लिया। ठीक है, वुडन बॉक्स को ऐसा इंसुलेटर की तरह बनाते हैं ताकि अंदर से जो हीट एनर्जी है वो बाहर ना आने पाए। इसको ऊपर हमने ग्लास लगा दिया, ये ग्लास पैनल है। ठीक, यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टर लगा दिया, रिफ्लेक्ट। ठीक है, और अंदर इंसुलेटेड पैनल बनाएंगे ताकि अंदर की गर्मी बाहर ना आए। ठीक है, बाकी ये तीन चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिफ्लेक्टर क्यों लगाते हैं, क्योंकि वाइड मतलब काफ़ी सनरेज यहाँ से हम इसमें रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ से हम रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वाइड एरिया ऑफ सनरेज, आप यहाँ पर अलग अलग शीशा लगा करके भी वहाँ से भी सनरेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराओ। इन दी एंड देखो, और बात बच्चों ये है ना कि यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा सनलाइट भेजना है। कहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा होगा ना बक्सा, बक्सा के अंदर हमें सबसे ज़्यादा सनलाइट भेजेंगे। जब बक्सा के अंदर आप सबसे ज़्यादा सनलाइट भेजोगे तो वहाँ पे हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, ग्लास प्लेट क्यों लगाते हो, क्योंकि हीट, ग्लास की प्रॉपर्टी है कि भाई हीट अंदर तो जाएगा लेकिन अंदर से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ग्लास प्लेट लगाते हो। जब हीट यहाँ पे बढ़ा दोगे तो फिर आप कुकर में कुछ भी डालोगे वो अच्छे से पक जाएगा। लिमिटेशन इसकी है कि भाई आप इसमें चिकन फ्राई, अगर आपको खाने का मन है चिकन फ्राई या फिश फ्राई खाने का मन है, तो आप फ्राई नहीं कर सकते हो। ठीक है, रोटी नहीं सेक सकते हो, लेकिन लेकिन सब दाल चावल खाना है, सस्ते में दाल चावल खाना है, तो बहुत आराम से सोलर कुकर ले आओ, या अपने घर पर बना लो सोलर कुकर और आराम से खाना खाओ इसमें, जी भर के, जी भर के। ठीक है, चलो ये तो समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, सोलर हीटर के बारे में। ठीक है, कि भाई गीजर कह सकते हो कि आप इसको, आप ये आपको ना गर्म पानी देगा। ठीक है, तो ये आखिर वर्क कर कैसे कर रहा है, गीजर जो है हमारा ये वर्क कैसे कर रहा है और गर्म पानी हमें एक्चुअली कैसे मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं कर, इसमें भी कुछ नहीं किया जाता है। ठीक, ये आपकी एक ग्लास फिल्म है। ठीक है, ये ग्लास फिल्म है, उसके अंदर आपने ये पाइप दौड़ा दिया, ये पाइप है, इस तरीके से आपने पाइप दौड़ा दी और सबको ग्लास से आपने क्या कर दिया, कवर अप कर दिया। इस तरीके से पाइप दौड़ा दी, यहाँ पे ये पाइप ऐसे है और फिर यहाँ पे ये पाइप ऐसे है, फिर यहाँ पे ये पाइप ऐसे जाएगा और यहाँ पे ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कोल्ड वाटर इन करेंगे, कोल्ड वाटर इनलेट है, कोल्ड वाटर इनलेट, यहाँ से कोल्ड वाटर अंदर जाएगी। ठीक है, और इस पाइप के रास्ते धीमे 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 गर्म होती रहेगी, गर्म होती रहेगी। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हॉट वाटर जो है वो आउटलेट में ले सकते हैं, हॉट वाटर आउटलेट में ले लेंगे। ठीक है, तो इसको खूब बड़ा बनाने का भी पर्पस ये है, पानी को इतनी बार दौड़ाने का पर्पस ये है कि पानी अगर जितना ज़्यादा दौड़ाओगे पानी को, उतना ज़्यादा वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उतना ज़्यादा गर्म होकर के निकलेगा। ठीक है, और ग्लास का फिल्म इसलिए बनाते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि ग्लास की प्रॉपर्टी ये कि अंदर की चीज़ को गर्म रखेगा लेकिन पास नहीं करेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको सोलर सोलर कुकर एज वेल एज सोलर हीटर को समझ में आ गया होगा, सोलर कुकर एंड सोलर हीटर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या आप थोड़ा सा लिमिटेशन बता सकते हो, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, सोलर कुकर का एडवांटेज अगर आप सोचो भी, ठीक है, तो आप भाई बॉयल तो आराम से कर सकते हो, अंडे बॉयल कर लिए, ये कर दिए, लेकिन अगर आपको ऑमलेट खाने का मन करेगा तो यहाँ पे नहीं खा पाओगे। बॉयलिंग का काम बहुत आराम से हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने दाल बना लिया, चावल बना लिया,
वाह मजा आ गया, ठीक है, लेकिन आपको रोटी के साथ खाना है तो बड़ा दिक्कत, ठीक है, फिश फ्राई खाना है तो बड़ा दिक्कत है, फ्राई करना और बेक करना ये सब इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसकी लिमिटेशन ये, इसकी लिमिटेशन आप बता सकते हो, इसकी लिमिटेशन ये है कि हॉट वाटर का भी एक मतलब लिमिट है, उस लिमिट बहुत ज़्यादा गर्म पानी, अगर आपको 70 डिग्री 80 डिग्री पानी चाहिए तो वो यहाँ से मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज अच्छे से देख लेते हैं। सोलर कुकर डू नॉट रिक्वायर फ्यूल, ठीक है, बहुत सही है कि सनलाइट से ही हमारा सारा काम हो जाएगा, बिजली बिजली की बचत है, पैसे की बचत है और गैस की बचत है, वाह मज़ा आ गया, ठीक है। सोलर कुकर कैन बी यूज टू बॉयल वाटर एंड देन दैट कैन बी यूज इन साइड, सोलर कुकर कैन बी यूज टू बॉयल वाटर दैट देन कैन बी यूज इन साइड, ठीक है। पानी बॉयल करने के काम में आ जाएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। कंसंट्रेटर कुकर आर यूज ओनली वेन देर आर लॉट ऑफ मील टू बी प्रिपेयर एट द सेम टाइम, ठीक है। तो वही है कि मैंने जैसे बताया कि इसमें, इस पूरे सेटअप में आप मतलब चार वो लगा सकते हो, चार ये कु मतलब कुकर डाल सकते हो, ठीक है, और चार बाउल बाउल आपने डाल दिया, ठीक है, चारों में आपने किसी में दाल डाल दिया, किसी में चावल चावल डाल दिया, तो इस तरीके का। डिसएडवांटेज क्या है, ठीक, मोस्ट डू नॉट वर्क एट नाइट, सबसे पहली बात है। सोलर कुकर है तो भाई सन से ही, लूनर कुकर तो नहीं है ना, सोलर कुकर है आपका तो भाई आप सिर्फ दिन में एक बार तो खाना खाते नहीं हो, दो बार खाना खाते हो, एक बार दिन में खाते हो, एक बार रात में खाते हो, तो दिन में तो आपने खा लिया लेकिन रात में क्या करोगे, ठीक है, रात में फिर से आपको खाना बाहर जाके खाना पड़ेगा, कहीं और से कहीं इंतजाम करना पड़ेगा, या रात का खाना आपको दिन में बनाना पड़ेगा। तो ये है कि भाई आप रात में खाना नहीं बना सकते, ठीक है, वो तो वेल एंड ऑब्वियस सी बात है। कंसंट्रेटेड टाइप कुकर नीड टू फॉलो द सन। एक और चीज़ है भाई, देखो देखो बच्चों, देखो देखो, अब आपका है सूरज, सूरज तो एक जगह तो रहता नहीं है, लाइट तो है नहीं सूरज की, भाई आपने ऑन कर दिया और वो इधर ही लगा रहेगा, ठीक है, वो भी अपना इधर से उधर जाता रहता है, ठीक है। तो जब जब इधर था तो आपका सोलर कुकर आपने घर पे 11 बजे ऐसे करके लगा के आ गया, ठीक, इसमें खाना तो एक तो देर में बनेगा, ठीक, ऊपर से आपको बार बार मैनेज करना पड़ेगा, फिर आप थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद जाओगे इसका, इस जैसे सूर्य के पोजीशन के अपोजिट में इसको रख दोगे, सूर्य अब इधर से इधर पहुंच गया तो 15 मिनट बाद जाओगे आप इसको थोड़ा सा रोटेट करोगे, फिर से जब सूरज इधर आ गया तो 15 मिनट बाद आप जाकर के रोटेट करोगे। तो इस तरीके का थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है कि आपको इसके पीछे लगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप इंडक्शन या गैस में चढ़ा करके छोड़ दिए, चार सीटी लगी और आप आकर के बंद कर दिए, मजा आ गया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा, ठीक है। सम रिक्वायर कॉन्स्टेंट अटेंडेंस वाइल कुकिंग, वही कॉन्स्टेंट अटेंडेंस वाइल कुकिंग। मोस्ट रिक्वायर लेवल हैंड, मोस्ट आर टू टॉल फॉर वुमेन हु लाइक टू, हाँ ठीक है ठीक है, दैट दैट कैन बी, वो ये किया जा सकता है, लेकिन ये क्या है कि रिक्वायर अटेंडेंस, मतलब आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपने ऐसे करके छोड़ दिया और बार बार इसको आपको, अगर रेनी डे है और समझ लीजिए बदली छाई हुई है तो थोड़ा मुश्किल है इन सब के साथ काम करना, ठीक है, ये आपके छोटे मोटे डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में ये है कि कोई फ्यूल का कंजम्पशन नहीं है, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको कुछ भी बनाने का, ओवर मतलब पहले हो सकता है कुकर महंगा मिले, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपको सब कुछ दे करके ही जाएगा, ठीक है, एडवांटेज दे करके जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सोलर कुकर एंड सोलर हीटर हमने पढ़ा, ठीक है, अब हम सोलर सेल के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक मिनट कहाँ गया भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, जैसे कि हमने इस ये वाली चीज़ जो बात की थी, ये वाली चीज़ में हमने बात कर ली, अब हम लोग ये वाली चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, सोलर सेल, ठीक है। तो देखो ये एक सोलर सेल का टिपिकल एग्जांपल है, ठीक, इस तरीके से आपने पैनल तो देखा होगा, ठीक है, अगर पैनल को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये एक सोलर मॉड्यूल है, ठीक है, और मुझे एक्चुअली 6 वॉट का एक मॉड्यूल होता है, ठीक है, और एक पैनल आपका 325 वॉट का मैंने सुना है, ठीक, वेरी कर सकता है, बट 325 वॉट का, 6 वॉट का एक मॉड्यूल होता है, और मॉड्यूल से भी सबसे छोटा यूनिट जो होता है सोलर सेल होता है, सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल
आर्सेनिक और सिलिकन ब्रोमाइड का एक, सिलिकन बोरॉन का एक कॉम्बिनेशन से बना होता है, सिलिकन बोरॉन और नीचे क्या होता है सिलिकन आर्सेनिक के ऐसे कॉम्बिनेशन से बना रहता है। जब सनलाइट यहाँ से आती है इसके ऊपर, ठीक है, ऊपर का जो पैनल है वो सिलिकन बोरॉन का लेयर होगा, ठीक है, और नीचे आपका सिलिकन आर्सेनिक, सिलिकन आर्सेनिक और ये सिलिकन बोरॉन, ठीक है। तो जब सनरेज आपकी फॉल करती है तो लूजली हेल्ड जो सिलिकन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रैवल करने लगते हैं, ड्यू टू विच, ठीक है, ऊपर से नीचे ट्रैवल करेंगे, ड्यू टू विच हमें क्या, ड्यू टू विच हमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, ठीक है, ड्यू टू विच हमें हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हमें मिलता है, ठीक है। लूजली हैंड इलेक्ट्रॉन, लूजली हैंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रैवल करेंगे, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। और एक सोलर सेल 0.5 वोल्ट का, 0.5 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करती है। तो बहुत सारे सोलर सोलर सेल्स को सीरीज में लगाया जाता है, तब जा करके हमें क्या मिल जाता है, सीरीज में लगाएंगे तब हमें जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट हमें मिलता है वो बहुत सारे सोलर सेल्स को सीरीज में लगाएंगे तब जा करके हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिलता है, ठीक है। सोलर सेल बहुत छोटा यूनिट है, ये छोटा यूनिट को हम लोग सोलर सेल कहते हैं, और ये बहुत सारे छोटे यूनिट को हम लोग एक सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे जो भी हमें रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए उसके लिए। और जब ये मॉड्यूल बनाते हैं और मॉड्यूल के बाद बहुत सारे मॉड्यूल को ज्वाइन करके हम एक पैनल बनाते हैं, तब जा करके हमें जो भी सिस्टम है सोलर सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए वो सिस्टम हमें क्या मिलता है, वो सिस्टम हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा ये पूरा पैनल है, ठीक है, पैनल जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, ये आपका चार्ज कंट्रोलर से कनेक्टेड रहता है, जो कि आपको कंट्रोलर रहता है, कंट्रोलर में आप देख सकते हो कि कितनी बिजली आपकी पैदा हुई पर डे पे, ठीक है, वो पूरा बताता है कि क्या वोल्टेज के कितने वाट का कंजम्पशन आया, ठीक है, पर डे पे क्या हुआ, फिर बैटरी से ये कनेक्टेड रहता है, ठीक, और ये आपका इन्वर्टर से कनेक्टेड रहता है जहाँ पे आप एसी करंट को घर के लिए ले सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट ही एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट ही जनरेशन हो जाता है, ठीक है, कोई टरबाइन और ये इन सब मैकेनिज्म एज सच हम लोग जैसे प्रीवियस वीडियोस में पढ़े थे उस टाइप का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट जनरेशन हो जाता है। और ये मिनी मिनी सोलर प्लांट आप सबके घर में किसी के भी घर में लगा होगा, आप जा करके उसको देख सकते हो। और हाउस होल्ड ए फैमिली ऑफ फाइव को आप कह सकते हो कि 3 किलोवाट 5 किलोवाट तक के सोलर सोलर पावर प्लांट से हमारा फैमिली ऑफ फाइव को ये रिक्वायरमेंट हो जाती है, फैमिली ऑफ फाइव के लिए 3 किलोवाट 5 किलोवाट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख के एक्सपेंसेस इसमें लगते हैं, मतलब इंस्टॉलेशन में पूरा, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 किलोवाट के लिए 70,000 का एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। आपको 2 चाहिए 3 चाहिए उस हिसाब से आप सोच सकते हो और लगा सकते हो, ठीक है। तो सोलर पावर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं अब हम लोग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में देखिए, एडवांटेज तो सबको पता है कि भाई जो भी आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो, सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हो, बहुत सही बात है, ठीक है, ठीक, रिन्यूएबल है सोलर है, इस जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें नॉइज़ का कोई बात ही नहीं है, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री है, ठीक, रिन्यूएबल है, ठीक। एक सोलर जो भी पैनल लगता है उसकी जो लाइफ होती है वो भी बहुत बड़ी होती है, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स की इसकी लाइफ होती है। तो वन टाइम इंस्टॉलेशन कॉस्ट ही है, उसके बाद आपको 25 सालों तक मतलब कह सकते हो कि फ्री में आप बिजली मिल सकती है, ठीक है, जितना मन करे उतना एसी चलाओ, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी आप पैनल लगवाते हो ना,
ठीक, उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 4 से 5 साल में आपको दे जाता है। यानी कि अगर आपने 1.5 लाख का खर्चा किया तो आप ये मान लो कि आपकी 35 से 40 हज़ार सालाना की बिजली आपकी ये बना के देगा, ठीक है। तो इसलिए 4 से 5 साल में, 4 से 5 साल के बाद ये आपको फ्री हो जाता है, मतलब फ्री पड़ जाता है, ठीक। वेरी लिटिल मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड टू कीप सोलर सेल्स रनिंग, ठीक है। मेंटेनेंस की बहुत मतलब वही मैं कहा ना कि लाइफ इसकी 25-25 साल तक की होती है। मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। तो अगर मूविंग पार्ट नहीं है तो मेंटेनेंस का वैसे भी क्या, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही है जो मूव कर रहा है, जो कि ऑलरेडी सिल्वर कोटेड वायर्स इसमें पैनल में होते हैं। उस सिल्वर कोटेड वायर्स का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सब्सटेंस है, इसीलिए हम लोग सिल्वर का यूज़ करते हैं। सोलर पैनल एंड सोलर लाइटिंग मे सीम क्वाइट एक्सपेंसिव बट इन द लॉन्ग रन में मनी सेविंग है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा लेकिन लॉन्ग रन में मनी सेविंग है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई सूरज एक जगह तो फिक्स है नहीं कि आपने ऐसे लगा लिया अपने छत पे, सूरज यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव करता रहेगा। तो जब सूरज यहाँ से आएगा तभी ये प्रोडक्टिव है, और यहाँ के बाद चला गया तब ये अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंसिव है इनिशियल में भाई, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बताया कितना कॉस्ट कर रहा है, ठीक। सोलर पावर कैन नॉट बी हार्नेस्ड ड्यूरिंग स्टॉर्म, ठीक है। बदली आ गई, ठीक है, रेनी डे है, ठंडी में जब सूरज नहीं निकलती है 20-25 दिन तक, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सरकार से ही, यूपीपीसीएल से ही बिजली लेनी पड़ेगी। यूपीपीसीएल से बिजली लेनी, जो आपके जो भी स्टेट में पावर सप्लाई करता होगा आपको उससे ही बिजली लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बाकी सब समय आप सोलर सोलर पैनल को यूज़ कर सकते हो और मोटा मुनाफा मतलब ले सकते हो, कह सकते हैं, ठीक है। जो फ्रीली अवेलेबल एनर्जी सोर्स है उसको आप अपने घर में यूज़ करो। मेरा तो बहुत मानना है कि आप लोग अपने घर में यूज़ करो, अपने भी मदर जो भी मदर फादर है अगर आपके घर में नहीं लगा है तो उनको एक बार बताओ कि सोलर एनर्जी को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, और एडवांटेजेस को डिस्कस करो ऐसे, ठीक है। चलो तो आई थिंक वी आर डन अप टू हेयर। और एक्सपेक्टेशन देखिए स्टूडेंट्स, आपसे एक्सपेक्टेशन यही है क्योंकि ये सब चीज़ें एक एक्सपेक्टेशन पे है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन आपकी आपसे यही है कि बी प्रिपेयर्ड बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास, बी प्रिपेयर्ड बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास, ठीक है। फर्स्ट आप फर्स्ट तो यही है। सेकंड है कि वी आर कमिटेड टू, हम लोग कमिट करते हैं कि हम लोग एक आपके अंदर से बेस्ट निकालेंगे। वी आर कमिटेड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, ठीक है। उसके लिए जो भी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है जो हम लोग दे सकते हैं अपनी तरफ से, वो हम लोग आपको दे रहे हैं। शर्त ये है कि आप भी अपने घर पे पढ़ो, और जो भी डाउट है वो आप आ करके क्लास में किसी भी टाइम पूछ सकते हो। ऑल द टीचर्स एंड द मैनेजमेंट इज हेयर जस्ट टू सपोर्ट यू, थैंक यू, ठीक है। तो मैं थैंक यू लिख देता हूँ, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है।